रुख हुंदा। सरकार दे वल्लों कहा जा रहा है कि कोर्ट ने जो फैसला करता असीं भी मजबूर हाँ, जिस करके लाठीचार्ज भी उत्थे होया कि जिस तरीके नाल सरकार उन्हों लै रही है, कोर्ट का आसरा लैके उन्हां ते हमला कर रही है, तो असीं यह फैसला कर लिया कि सानू उन्हां पिंडां दे नाल उन्हां किसानां नाल उन्हां लोकां नाल खड़ना चाहिए। तो 30 तरीक नूं असीं 5 किसान जथेबंदियां दे आगू लगभग 1000 वहीकल लैके उन्हां दी हमायत करन जा रहे, क्योंकि मोर्चा वो चला रहे हैं। जदों 3 कानून रद्द कराउण लई बैठे सा उदों केंद्र दी सरकार सुप्रीम कोर्ट का आसरा लैके साडे ते हमला करना चाहुंदी सी। असीं ना सुप्रीम कोर्ट अगे झुके हाँ, असीं अपनियां मंगां ते डटे रहे हैं, तो मोर्चा जित के फिर वापस आ। ये पंजाब दे होण दा सवाल आ, ये पंजाबियों की होण दा सवाल आ। जिन्हां लोकां ते लाठीचार्ज होया, जिन्हां ते हाई कोर्ट की ओट लैके तशद्दुद किया गया, असीं उन्हां नाल भी डट के खड़े हैं। न्यूज़ ओनली तुसी देख रहे हो, तो मैं हाँ थोड़े नाल जगविंदर सिंह। तो अज किसान जथेबंदियों के वालों चंडीगढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और आने वाले महीने के एक मोर्चे का ऐलान उन्होंने वालों किया गया कि चंडीगढ़ के पक्का मोर्चा जिहड़ा पानिया के मसलों लैके चंडीगढ़ के लगे गया। तो इसे तो वधेरे गलबात लिए मेरे नाल इत्थे किसान आगू कमलप्रीत सिंह पन्नू मौजूद ने। सर स्वागत है सब तो पहला न्यूज़ ओनली ते नाल ही नाल मेरा सवाल है कि जिस तरीके दे नाल पहला 30 दसंबर नूं जिहड़ा तुसी उलीकण जा रहे सी वड्डा प्रोग्राम, वो हुण 17 नूं उलीकिया जा रहा, अते 30 दसंबर नूं तुसी जीरे दे वल जिहड़ा अपने कूच करोगे। पहला जीरे नूं लैके सवाल कर लैंदे हां कि किस तरीके की रणनीति रहेगी, क्योंकि पहला भी जिहड़ियां किसान जथेबंदियां उत्थे पहुंचियां होईयां ने, किसानां दे वल्लों समर्थन जिहड़ा प्रदर्शनकारियां दा कीता जा रहा, पर फिर भी एक कोर्ट का जिहड़ा रुख हुंदा सरकार दे वल्लों कहा जा रहा है कि कोर्ट ने जो फैसला करता असीं भी मजबूर हाँ, जिस करके लाठीचार्ज भी उत्थे होया। धन्नवाद जी तुहाडा। देखो असी 30 तो मोर्चा आरंभ कर जा रहे सा, अज साडी मीटिंग सी, वो सारे प्रबंधा बारे उन्हूं किवें चलाउणा किवें लाउणा इहदे संबंधी मीटिंग सी, पर जदों साडे सामने जीरे का मसला आया असी फिर उस मसले नूं पहल दित्ती आ कि जिस तरीके नाल सरकार उन्हूं लै रही आ, कोर्ट का आसरा लैके उन्हां ते हमला कर रही आ, ते असी इह फैसला कर लिया कि सानूं उन्हां पिंडां दे नाल उन्हां किसानां नाल उन्हां लोकां नाल खड़ना चाहिए। तो असी अपना 30 दसंबर का जिहड़ा चंडीगढ़ का मोर्चा वह बदल के असी 17 जनवरी नूं कर दिता। तो 30 तरीक नूं असी 5 किसान जथेबंदियों के आगू लगभग 1000 वहीकल लैके उन्हां दी हमायत करन जा रहे हैं, क्योंकि मोर्चा वो चला रहे हैं, उसकी अगवाई वो कर रहे हैं, असी उन्हां दी हमायत ते जा रहे हैं। तो अगामी जिदा की मदद साढ़े तो मंग करनगे असी उन्हां दी मदद करांगे। जिहड़ा 17 नूं मोर्चा असी आरंभ कर जा रहे हैं मोहाली च, उस मोर्चे च उन्हां दी मंग नूं शामिल रखांगे, उन्हां नाल तालमेल दे विच रहांगे। ये पहली वारी नहीं होया भी कोटा दा आसरा लैके सरकार लोकां ते हमला करदी है। जदों असी दिल्ली बार्डर ते बैठे सा, जदों 3 कानून रद्द कराउण लई बैठे सा, उदों केंद्र दी सरकार सुप्रीम कोर्ट दा आसरा लैके साडे ते हमला करना चाहुंदी सी, सानू धूणा चाहुंदी सी कोर्ट च, पर असी बिल्कुल नहीं लिफे। असी ना सुप्रीम कोर्ट अगे झुके हाँ, असी अपनियां मंगां ते डटे रहे हां, ते मोर्चा जित के फिर वापस आए। ਪਰ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ 5 ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ 5 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।
इस करके 30 नूं वड्डी गिणती जा रहे उत्थे। ब्रिज तुसीं जिक्र कीता जिहड़ा नहरी पाणी नूं जिहड़ा तुसीं 17 जनवरी तों इत्थे मोर्चा लगाउण जा रहे हो, पंज जथेबंदियां दे वल्लों होवेगा ते जिहड़ा जीरा पहुँच के तुसीं हमायत करोगे उस दे विच स्वागत करोगे बाकी किसान जथेबंदियां दे, अते जेकर पाणी दे मसले नूं लैके क्योंकि पाणी दा मसला भी इकल्ला किसानां दा नहीं बल्कि पंजाब दे लोकां दे नाल जुड़िया है, जो उस दे विच बाकी जथेबंदियां आउणा चाहुणगियां उस दे विच स्वागत होवेगा। पाणी दा मसला कल्ली किसानी दा मसला नहीं, क्योंकि नहरी पाणी सानूं मिले उहदे नाल साडा धरती हेठला पाणी बचूगा, जे धरती हेठला पानी बचूगा साड़ी होंद बचूगी। हुण धरती हेठला पानी जां साफ पानी कल्ली साड़ी लोड़ नहीं, ये पशु पंछी जीव जंतुआं दी लोड़ भी कुदरत ने बनाए हो, यह समुचे समाज की लोड़ आ। हाँ जदों असीं मोर्चा आरंभ करते हाँ जिहड़ी भी जथेबंदी साढ़े मोर्चे च पक्के तौर पर जुड़ना चाहुंदी आ उहनूं जी आया हिक ना लावांगे, जिहड़ा कोई जिन्ना भी योगदान पाऊगा उहदे उन्ने योगदान लई उहदा धन्नवाद करांगे। ये मोर्चा सारे खुला सदा। जी किन्ने दिनों तक तुम उत्थे हमायत करोगे क्योंकि 17 नूं तैयारियां भी तुम कर चंडीगढ़ के मोर्चा ला रहे हो, जेकर 30 नूं उत्थे जा रहे हो 1000 वाहन लैके उत्थे जा रहे हो, किन्ने दिनों तक उत्थे हमायत करोगे? कितने तो नहीं होगा उत्थे 7 या 10 दिन तुम बैठे उस तो बाद भी कोई हल नहीं निकलिया फिर तुम उत्थों आवोगे या फिर हल कढ़वाउण नूं तुम अपने जहन दे विच लैके चले हो कि हल एक पार ला के आउणा? असीं उस मोर्चे की हमायत ते जा रहे हैं 1000 व्हीकल लैके, साढ़े कुछ लोग बैठे उत्थे, असीं उधर सरकार नूं दसण जा रहे हैं कि असीं इन्नी वड्डी गिणती इस मुद्दे दे नाल आ इन्हां दे नाल आ, वो एक साडा दबाव आ, वो दबाव एक दिन का पा के ही वापस आवांगे क्योंकि साडी तैयारी पूरी सी, असीं अज तैयारी वास्ते मीटिंग लई आ, साडी तैयारी पूरी है, 30 नूं बैठ जाणा सी इत्थे, पर उन्हां दे मसले का हल निकले उत्ते दबाव बणे तां असीं 30 दा वह प्रोग्राम उन्हां दे वल तोर दिता, तो उस तो बाद अं आ अपने 17 की तैयारी करा, तो 17 वाले मोर्चे च उन्हों का मुद्दा भी नाल मगदा रखा। धन्यवाद। तो आखिरी सवाल है मेरा कमलप्रीत जी, जिस तरीके का इतों 17 के मोर्चा लगू कोई रणनीति बनाई है कि किन्ने दिनों तक किन्ने महीनों तक, क्योंकि पहला भी मोर्चे लंबे चले ने, तो लोगों की अपील करोगे क्योंकि पानिया का मसला घर घर के नाल जुड़िया हुआ कला किसान? देखो ये मोर्चा पक्का मोर्चा असी तैयारी करके आ रहे हैं, अपना सारा राशन पानी नाल लैके आ रहे हैं, अपने बिस्तरे नाल लैके आ रहे हैं। ये मोर्चा जिन्ना चिर तक पानी का मसला सरकार हल नहीं करती, टेबल पर बह के साढ़े ना हल यदा कढ़ती नहीं, उन्ना चिर तक ये मोर्चा जारी रहू, इन 2 महीने लगन, 4 लगन, 6 लगन, साल लगे, लगातार चलावांगे। सो इसी कमलप्रीत सिंह पन्नू जो कि इतने 5 किसान जथेबंदियों के वालों मीटिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो 30 दसंबर में जोड़े चाले ने कूच करेंगे किसान जीरा जिथे प्रदर्शनकारी उत्थे जोड़े लोग बैठे ने फैक्ट्रियां बंद करवाने के लिए तो उन्होंने हमायत करेंगे, तो उस तो बाद अगले साल पहले महीने के लोहड़ी तो बाद 17 जनवरी को चंडीगढ़ किसानों के वालों पक्का मोर्चे का ऐलान कर दिया गया पानिया के मसले को लेकर, उन्होंने वालों सीधे तौर पर कह दिया गया कि जिन्ना चिर सरकार नहीं झुकेगी उन्ना चिर उन्हों का मोर्चा जिहड़ा चंडीगढ़ दे विच चलता रहेगा।